जी हाँ टूट रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये जिस जानवर पे अभी हम आए हैं इसको रेक्टल प्रोलैप्स का मसला है, जिसे हमारी देसी जबान में कहते हैं टुटरी निकल आना। गोबर वाली जगह बाहर आ जाती है, इसकी गोबर वाली जगह तकरीबन इतनी बाहर थी, यहाँ तक लटकी हुई थी जब हम पहुँचे हैं। हिस्ट्री इस जानवर की ये है कि इसको आज से कोई महीना डेढ़ पहले भी ये प्रॉब्लम था, मालकान इसका इलाज करते रहे हैं, ये जानवर ठीक हो गया है, दो महीने इसको कोई मसला नहीं बना। कल शाम एकदम इसने मसला शुरू किया है और इतना शदीद किया है कि इन्होंने इसको बेहोशी वाले टीके भी लगाए हैं, इसके बावजूद इसने दर्द नहीं छोड़ा, जिसे हमारे ज़िम्मेदार कहते हैं ये वट पै रहा है वो इसने नहीं छोड़ा। मतलब ये जो इससे पहले मैं आपसे बताता रहता हूँ कि अगर इस तरह का मसला बन गया है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से की इन्फ्लेमेशन है, सूजन है गोबर वाली नाली के आखिरी हिस्से की, और उसमें 8-10 दिन 15 दिन एंटीबायोटिक लगनी है, खुराक का ध्यान रखना है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो हम यहाँ पे लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी में टीका लगाते हैं, ये उन तमाम मामला से आगे निकल गई है। तो इसका हमने एंड प्रोसीजर किया है जिसे हम कहते हैं पर स्ट्रिंग सुचर। हमने इसकी रेक्टम को आगे से सी दिया है, ये रस्सी के साथ बांध दिया है और इतनी जगह छोड़ दी है कि यहाँ से गोबर निकल आएगा लेकिन यहाँ से ये प्रोलैप्स नहीं कर सकती। यह बिल्कुल सिक्योर तरीकाकार है। इसमें सबसे पहले बात ज़िम्मेदारों के समझने के लिए ये है कि इस प्रोसीजर से घबराना नहीं है। अगर टेक्निकल बंदा ये कर रहा है प्रोसीजर तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेचीदगी नहीं है। ये अब 2-3 उंगलियाँ इसमें जाती हैं, मतलब ये गोबर तो कर सकता है लेकिन पीछा बाहर नहीं निकाल सकता। इन केस अगर ये जानवर करता है कि यहाँ से गोबर नहीं आ रहा तो उसके लिए सिंपल है, ये देखें इसको ऐसे हमने खोला जैसे अपना नाला खोलते हैं वैसे नाला खोला और इसको गोबर करवा के इसको फिर ऐसे बंद कर दिया। जैसे पुराने ज़माने में पैसों वाली थैलियाँ या कोई भी बस्ते होते थे उनके ऊपर रस्सी खींचते थे वो बंद हो गया, रस्सी ढीली की और बाहर आ गया, या अपने तलवारों में नाले डालते हैं, ये वो प्रोसीजर है। और जो मेरे डॉक्टर भाई वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बताऊं कि वेरी सिंपल प्रोसीजर है। हम पढ़ते हैं जी बोहनर नीडल के साथ लगेगा और अम्बिलिकल टेप लगेगी, दोनों चीज़ें महंगी हैं, हमारे बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं है, अगर आप मंगवाते हैं तो वो अल्टीमेटली सारा बर्डन हमारे फार्मर पे जाता है। ये तीन चीज़ें हैं, एक मोचियों वाली हार है, एक मोचियों वाला धागा है और एक आईवी सेट है। इसके साथ आप ये लगाएं तो आईवी सेट के ऊपर आप लिखें देखें कि ये पायरोजन फ्री है, ये जानवर को तंगी नहीं करेगा, ये इलास्टिक भी है, अगर जानवर इसके ऊपर प्रेशर दे रहा है तो ये उसको भी बर्दाश्त करेगा और ये इनर्ट भी है, किसी किस्म के जरासीम इसके अंदर नहीं रहते। तो अब ये 15 दिन ऐसे चलेगा। अब ये देख रहे हैं जानवर हल्का हल्का प्रेशर देना शुरू कर रहा है, इतनी सख्त इसको दर्द है कि हमने इसको एपिड्यूरल भी लगाया है और जनरल भी लगाया है, इसके वैसे भी बेहोशी का टीका और रीढ़ की हड्डी में भी टीका लगाया है, इसके बावजूद उसको अभी भी अंदर से दर्द हो रही है, क्योंकि जो हम यहाँ पे टीका लगाते हैं वो जस्ट ए वाला हिस्सा सुन करता है, इससे आगे वो नहीं करता। इसकी रेक्टम और कोलोन तक सूजन चली गई है, इतना इसको सीवियर मसला बना हुआ है। ये तो हो गया हल जी इस मसले का शॉर्ट टर्म फौरी तौर पे जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये बाहर आकर फट जाए तो मसला बनेगा। अगला हल वही होगा, इसकी खुराक का ध्यान रखा जाएगा, यीस्ट मिनरल मिक्सचर टॉक्सन बाइंडर और एंटीबायोटिक्स जो मुनासिब होंगी वो लगेंगी, पानी का खास ध्यान रखा जाएगा और इंशाल्लाह ये जानवर बेहतरीन हो जाएगा। 15 दिन बाद मालकान हमें बुलाए बगैर ये नाला खोलेंगे और खींच के बाहर कर देंगे, यहाँ पे कोई ज़ख्म नहीं होगा, छोटे छोटे 2-4 निशान होंगे जिनके ऊपर ये पायोडीन लगाएंगे और ये ठीक हो जाएगा मामला। अगर इस मामले में कोई अपडेट हुई तो आपको बताएंगे, वरना आप अज्यूम करें कि ये जानवर ठीक हो गया है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।